हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेकिंग हाउस इनटू ए होम। मैं आपसे अपने दो मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराना तो भूल ही गई। ये बेचारे एक तरफ बैठे अपनी टर्न का इंतज़ार करते रहे, परंतु जैसे ही मैंने रात को वीडियो अपलोड किया तो मैंने उसमें देखा कि ये दो मेरे मेहमान बेचारे ऐसे ही बैठे हैं। इनको तो मैं इंट्रोड्यूस करा ही नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज आप से इनका इंट्रोड्यूस करा देती हूँ इनसे। ये देखो, एक तो ये है मेरा फाइकस, ग्रीन फाइकस है, ये बहुत प्यारी लीव्स हैं, ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छी लग रही हैं और हेल्दी है, काफ़ी काफ़ी बड़ा है। और दूसरा मेहमान है मेरा ये डिफनबेकिया, ये भी सुंदर है। और ये बेचारे दोनों ही रात ऐसे ही रह गए थे। ये मैंने इनका, अब मैं आपसे इनका इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। ये था 100 रुपीज़ का डिफनबेकिया और ये फाइकस था 80 रुपीज़ का। तो ये था इनका इंट्रोड्यूस। और अब आपको हम एक ज़रूरी बात बताएंगे जो बिगनर्स हैं, जो गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, वो एक गलती करते हैं कि जैसे ही प्लांट को लेकर आते हैं नर्सरी से, वैसे ही आके दूसरे गमले में शिफ्ट कर देते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैंने भी देखो ऐसे अभी रखे हुए हैं, ये ऐसे रखे हैं मेरे ग्रो बैग में, जैसे रखे थे ऐसे ही रखे हुए हैं। क्योंकि मैं अभी इनको 3-4 दिन के लिए अपने जो मेरे टेरेस का वेदर है उसके अनुकूल ये जब हो जाएंगे तो तब मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगी दूसरे गमले में। तब तक ये 5-6 दिन के लिए ऐसे ही ग्रो बैग में रखे रहेंगे। और इनको सेटल होने में टाइम लगता है, क्योंकि जैसे देखो हम, ये भी इंसानों की तरह ही हैं। जैसे हम कहीं पे जाते हैं दूसरी जगह पे, हमें शिफ्ट होने में काफ़ी समय लगता है और हम वहाँ पे जाके बहुत उदास रहते हैं, हमारा दिल नहीं लगता। इसी तरह ये भी एक परिवार की तरह होते हैं, ये भी इस चीज़ को समझते हैं, मतलब कि इंसानों की तरह ही होते हैं। ये सोचते हैं कि अपने परिवार को छोड़ के आए हैं तो इनका भी दिल नहीं लगता, ये मुरझा जाते हैं अगर हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे तो। जैसे हम इनको ग्रो बैग में रखेंगे तो ये सोचेंगे कि हम अभी अपने परिवार के साथ ही हैं, नर्सरी में ही हैं। इसलिए इनको 4-5 दिन के लिए आप ग्रो बैग में ही रखो, और उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा अपने हमारे वेदर के अनुकूल हो जाते हैं, हमारे घर के या हमारे गार्डन के, जैसे भी आप लगाओ, तो उसके बाद हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। अगर आप इसको आते ही लगा दोगे तो कई पौधे तो मुरझा जाते हैं, कोई डेड हो जाते हैं, फिर आप बोलते हो हमारे पौधे मर गए हैं, उनको हमने जल्दी से आके ट्रांसप्लांट कर दिया था, वो ख़राब हो गए हैं, मुरझा गए हैं, उनके पत्तियां पीली पड़ गई। तो आप ये गलती मत करना, इनको कुछ दिन के लिए ऐसे ही रहने देना, और जब ये आपके वेदर के अनुकूल हो जाए, आपके गार्डन के वेदर के अनुकूल हो जाए, तो तब आप इनको ट्रांसप्लांट करना। ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ज़्यादातर तो भी आप आते उसको शिफ्ट कर देते हो, फिर आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई नई वीडियो बनाने का। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।